मतलब कहा है कि जिंदगी मुझ पर गुजरने के लिए तैयार है। ठीक है, दोस्तों ये लग रहा है कि अब मैंने जगह बदली है, नेटवर्क नजर आ रहा है तो कहीं मामले में काम में जा रहा हूं। शेर अर्थ मैंने किया है कि जिंदगी मुझ पर गुजरने के लिए तैयार है, सोचती रहती है जैसे रास्ता हमवार है। और यह शेर देखेंगे, साथ चलने वालों की भीड़ इस कदर थी दोस्तों, मुड़के पीछे देखा तो समझा यही बाजार है। और यह शेर देखें बतौर खास के बुझ नहीं पाया दिया तूफान में तो सोचिए खूने दिल की रोशनी है या हवा बीमार है। बुझ नहीं पाया दिया तूफान में तो सोचिए रोशनी है। शुक्रिया। बार बार रिकनेक्ट में कर रहा हूँ, हालांकि अब मैं दूसरी जगह आया हूँ, वहां से नेटवर्क कुछ बेहतर नजर आ रहा है। बस अल्लाह से दुआ है कि ये नेटवर्क बरकरार रहे जितना है। एक गजल आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि मतला समाप्त करें कि जो यहाँ है वहां नहीं है क्या। मैं कलाम पेश कर रहा हूँ अज़र रसूल साहब, निसार अहमद साहब, कफील अनवर साहब। मैं आज बहुत मुश्किल में पड़ गया और आपको भी मैंने मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मैं अब लग रहा है कि हमारी कोशिशें कारगर हो रही हैं। मतलब समाप्त करें इस गज़ल का कि जो यहाँ है वहाँ नहीं है क्या, जो यहाँ है वहाँ नहीं है क्या, दर्द की दास्तान नहीं है क्या, जो यहाँ है वहाँ नहीं है क्या, दर्द की दास्तान नहीं है क्या। ये शेर देखें कि तुमसे छूटी कि तुमने छोड़ दिए, तुमसे छूटी कि तुमने छोड़ दिए, जान बारे गरा नहीं है क्या, तुमसे छूटी के तुमने छोड़ दिए, जान बारे गरा नहीं है क्या। शुक्रिया शुक्रिया। अब हम बात अपनी पहुंचा पा रहे हैं आप तक। ये शेर देखें कि हुक्म था चल पड़ा मगर मौला, धूप में साहिबान नहीं है क्या। हुक्म था चल पड़ा मगर मौला, धूप में। ये शेर देखें कि आए हवा, बहुत खास तौर से मैं ये शेर आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि आए हवा क्यों उदास बैठी हो, आए हवा क्यों उदास बैठी हो, नाव में बादबा नहीं है क्या। ऐ हवा क्यों उदास बैठी हो, नाव में बादबां नहीं है क्या। बहुत शुक्रिया।
अब मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आपका रिस्पांस आ रहा है, इसलिए लग रहा है कि बेहतर है एक शेर और आपके सामने मैं रखूं कि क्यों सुनी अनसुनी करे कोई, क्यों सुनी अनसुनी करे कोई, लफ्ज़ दिल की ज़बान नहीं है क्या, क्यों सुनी अनसुनी करे कोई, क्यों सुनी अनसुनी करे कोई, लफ्ज़ दिल की। और एक और शेर समाप्त कर लें कि अपनी आंखें निकाल कर देखो, अपनी आंखें निकाल कर देखो, चेहरा चेहरा धुआं नहीं, अपनी आंखें निकाल कर देखो, चेहरा चेहरा धुआं नहीं है क्या। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीढ़ियां, ये इस गजल का आखिरी शेर और बहुत ही खास। मुलाहजा करें कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुकने लगे, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुकने लगे, आगे अब आसमां नहीं है क्या। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुकने लगे, आगे अब आसमां नहीं है क्या, जो यहां है वहां नहीं है क्या, दर्द की दा। शुक्रिया अज़हर रसूल साहब का और तज़ीन अदब के मेंबर्स का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तारिक रसूल साहब, अज़हर रसूल साहब लगातार इन परेशानियों के बावजूद बने हुए हैं नेट पर, मैं उनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चंद अशआर फिर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। दो तीन अशआर देखें कि ये नर्म से भी नर्म लहजा कर लिया, छोटे छोटे मिसरे हैं, अच्छा लगे शायद, कि नर्म से भी नर्म लहजा कर लिया, दिल ने जो दिल से कहा था कर लिया, नर्म से भी नर्म लहजा कर लिया, दिल ने जो दिल से कहा था कर लिया। और ये शेर देखें बिल्कुल थोड़ा हटके, मैंने सोचा है शायद इसमें कि हो गया बेचेहरगी का खात्मा, हो गया बेचेहरगी का खात्मा, भीड़ ने चेहरा ही चेहरा कर लिया, हो गया बेचेहरगी का खात्मा, भीड़ ने चेहरा ही चेहरा कर लिया। और ये शेर देखें कि चार दिन की जिंदगी थी, चार दिन की जिंदगी थी मुख्तसर, चार दिन को ही ज्यादा कर लिया, चार दिन की जिंदगी थी मुख्तसर, चार दिन को ही ज्यादा कर लिया, नर्म से भी नर्म लहजा कर लिया, दिल ने जो दिल से कहा था कर लिया। आप जुड़ते जा रहे हैं और मैं महसूस कर रहा हूं कि काफ़ी लोग लगातार जुड़े हुए हैं और ये उनकी सख्त जानी और मेरी मुश्किल का ये नमूना है कि इन मुश्किल हालात में भी आप सब जुड़े हुए हैं। बहुत कम मैंने अब तक शेर पहुंचाया और बहुत परेशानियां उठाई आप से भी। दो तीन अशआर फिर आपके सामने मैं रख रहा हूं कि देखें कि पूछो लेकिन मत पूछो, पूछो पूछो लेकिन मत पूछो कैसा रहता हूं, पूछो लेकिन मत पूछो कैसा रहता हूं, दिन भर इंसानों की ही जैसा रहता हूं, पूछो लेकिन मत पूछो कैसा रहता हूं, दिन भर इंसानों के ही जैसा रहता हूं, बिनाई
मेरे हिस्से की वापस ले ले। बिनाई बिनाई मेरे हिस्से की वापस ले ले। अल्लाह आंखें रहकर भी अंधा रहता हूं। बिनाई मेरे हिस्से की वापस ले ले। अल्लाह आंखें रहकर भी अंधा रहता हूं। और ये शेर बतौर खास देखें, मैंने एक छोटे से मुहावरे का इस्तेमाल किया है कि दरियाओं के सीने पे कश्ती लेकर, दरियाओं के सीने पे कश्ती लेकर पानी को पानी पानी करता रहता हूँ। दरियाओं के सीने पे कश्ती लेकर पानी को पानी पानी करता रहता हूँ। पूछो लेकिन मत पूछो कैसा रहता हूँ, दिन भर इंसानों के ही जैसा रहता हूँ। शुक्रिया। एक गज़ल मैं आपके सामने फिर रखना चाह रहा हूँ। देखिए 5-6 अशआर आपके सामने रखता हूँ एक गज़ल से, मतला समाप्त करें कि जिंदगी जीने की चाहत में चलो, जिंदगी जिंदगी जीने की चाहत में चलो, ये इबादत है इबादत में चलो, जिंदगी जीने की चाहत में चलो, ये इबादत है इबादत में चलो। ये बहुत लतीफ सा शेर है। देखें कि देखो कुचली हुई ये चीज है क्या, देखो कुचली हुई ये चीज है क्या, देखो कुचली हुई ये चीज है क्या। फातिहा खां मेरी तुर्बत में चलो, देखो कुचली हुई ये चीज है क्या। फातिहा खां मेरी तुर्बत में चलो। शुक्रिया। और ये शेर आप तक पहुंचे के मुस्कुराते हुए मक्तल की तरफ, शेर हाजिर कर रहा हूं कि मुस्कुराते हुए मक्तल की तरफ कत्ल हो जाने की जुर्रत में चलो, मुस्कुराते हुए मक्तल की तरफ कत्ल हो जाने की जुर्रत में चलो। और एक और शेर देखें इस गजल से के पांव अपने हैं जमी और की है, पांव अपने हैं जमी और की है, दिल मेरे अपनी रियासत में चलो, पांव अपने हैं जमी और की है, दिल मेरे अपनी रियासत में चलो, और मेरी नफरत के लिए रोज चले, मेरी नफरत के लिए रोज चले, एक जरा अपनी मोहब्बत में चलो, मेरी नफरत के लिए रोज चले, एक जरा अपनी मोहब्बत में चलो। और आखिरी शेर गनीमत से ये मक्ता भी है कि वक्त कम और बहुत काम जफर, वक्त कम और बहुत काम जफर, यही दुनिया है तो फुर्सत में चलो, वक्त कम और बहुत काम जफर, यही दुनिया है तो फुर्सत में चलो, जिंदगी जीने की चाहत में चलो, ये इबादत है इबादत में चलो। देखो कुचली हुई ये चीज है क्या, फातिहा खां मेरी तुर्बत में चलो। मैं देख रहा हूं कि अब काफी लोग जुड़ गए हैं, जाहिद दानिश साहब, खुर्शीद सहर साहब, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत मुश्किल हालात में भी साथ नहीं छोड़ा। कुरबान आतिश साहब, अजहर मुजाहिदी साहब और आप जैसे तमाम दोस्तों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अब तक मेरा साथ दिया, वरना आज का माहौल शेर सुनाने का कतई नहीं था।
मैं एक गजल और आपके सामने रख रहा हूं। देखें, बहुत शुक्रिया आपका। मतला समाप्त करें कि बंद बंद सब खोल के दिखलाया गया दिल उसको, बंद बंद सब खोल के दिखलाया गया दिल उसको, मैं लुटाता रहा होता रहा हासिल उसको। बंद सब खोल के दिखलाया गया दिल उसको, मैं लुटाता रहा होता रहा हासिल उसको। ये देखें कि समझूं तो समझ आए नहीं। शुक्रिया। ये शेर देखें कि थक के बैठा हूं कि समझूं तो समझ आए नहीं, जिस्म क्यों मुझको दिया और मेरा दिल उसको। थक के बैठा हूं कि समझूं तो समझ आए नहीं, जिस्म क्यों मुझको दिया और मेरा दिल उसको। एक ही समत में हम दोनों थे मसरूफे सफर, एक ही समत में हम दोनों थे मसरूफे सफर, क्या हुआ कैसे हुआ मिल गई मंजिल उसको। एक ही समत में हम दोनों थे मसरूफे सफर, क्या हुआ कैसे हुआ मिल गई मंजिल उसको। और ये शेर देखें कि एक भंवर दूसरा भी तीसरा भी, एक भंवर दूसरा भी तीसरा भी आया गया, एक भंवर दूसरा भी तीसरा भी आया गया, पास अपने कभी रखता नहीं साहिल उसको। एक भंवर दूसरा भी, हेलो, हाँ जी जी ठीक है शुक्रिया जी ठीक है शुक्रिया शुक्रिया ओके जी। इम्तियाज साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने रिस्पांस लिया और मुझे पढ़ने के लिए इजाज़त दी। मैं फिर से उस गजल के चंद अशआर आपके सामने रख रहा हूँ कि बंद सब खोल के दिखलाया गया दिल उसको, मैं लुटाता रहा होता रहा हासिल उसको। और ये शेर देखें कि एक भंवर दूसरा भी तीसरा भी आया गया, एक भंवर दूसरा भी तीसरा भी आया गया, पास अपने कभी रखता नहीं साहिल उसको। एक भंवर दूसरा भी तीसरा भी आया गया, पास अपने कभी रखता नहीं साहिल उसको। और ये शेर देखें कि कत्ल का ठीका मोहब्बत के हवाले न करो, कत्ल का ठीका मोहब्बत के हवाले न करो, शर्म कहने में बहुत आएगी कातिल उसको। कत्ल का ठीका मोहब्बत के हवाले न करो, शर्म कहने में बहुत आएगी कातिल उसको। शुक्रिया इम्तियाज साहब, जाहिद दानिश साहब, अता आबजी साहब देख रहे हैं, निसार आमद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग जब आए उस वक्त नेट बेहतर हालत में काम कर रही है। चंद अशआर इस गजल से और आपको सुना रहा हूँ, समाप्त करें कि खुद पे इसर आने लगे। ये देखें कि शेर के खुद पे इसर आने लगे, ताना पे ताना देवे, खुद पे इसर आने लगे, ताने पे ताना देवे, मुश्किलों में भी कहा जाए ना मुश्किल उसको। खुद पे इतराने लगे, ताने पे ताना देवे, मुश्किलों में भी कहा जाए ना मुश्किल उसको। और आखिरी शेर इस गजल का, गर्चे मैं मख्ता बहुत कम कहता हूँ लेकिन ये भी मख्ता की सूरत में आपके सामने होगा कि बारिशें बारिशें आईं मगर प्यासे क्या प्यासा ही रहा, बारिशें आईं मगर प्यासा का प्यासा ही रहा, यूं बरसने से जफर क्या हुआ हासिल उसको। बारिशें आईं मगर प्यासे का प्यासा ही रहा, यूं बरसने से जफर क्या हुआ हासिल उसको, बंद सब खोल के दिखलाया गया दिल उसको, मैं लुटाता रहा होता रहा हासिल उसको। शुक्रिया शुक्रिया। मैं चंद अशआर आपके सामने फिर रख रहा हूं। शेर देखें कि
तो तीन अशार के आजमाइश में ला के छोड़ेंगे, छोटी पहर में कि आजमाइश में ला के छोड़ेंगे दिल, तुम्हें दिल बना के छोड़ेंगे, आजमाइश में ला के छोड़ेंगे दिल, तुम्हें दिल बना के छोड़ेंगे। ऐ अंधेरे तुम्हारी बस्ती में, ऐ अंधेरे तुम्हारी बस्ती में रोशनी जगमगा के छोड़ेंगे, ऐ अंधेरे तुम्हारी बस्ती में रोशनी जगमगा के छोड़ेंगे। और ये दुनिया जिन हालात में हम यहाँ आते हैं, बस उन हालात को मैं मद्देनजर रखकर यह शेर कह रहा हूं कि रोते रोते मिली थी ये दुनिया, रोते 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 मिली थी ये दुनिया, मुस्कुरा मुस्कुरा के छोड़ेंगे, रोते दुनिया मुस्कुरा मुस्कुरा के छोड़ेंगे, आजमाइश में ला के छोड़ेंगे दिल, तुम्हें दिल बना के छोड़ेंगे। और एक शेर और यहाँ से समाप्त कर लें कि प्यास, बतौर खास ये शेर समाप्त करें कि प्यास जीतेगी कितनी देर जफर, प्यास जीतेगी कितनी देर जफर, उसको पानी पिला के छोड़ेंगे, प्यास जीतेगी कितनी देर जफर, उसको पानी पिला के छोड़ेंगे, आजमाइश में ला के छोड़ेंगे दिल, तुम्हें दिल बना के छोड़ेंगे। शुक्रिया। दो तीन अशार दूसरी गजल से, बहुत शुक्रिया जाहिद दानिश साहब, निसार अहमद निसार साहब, कुरबान आतिश साहब। मैं दो तीन अशार आपके सामने रख रहा हूं। देखें कि हंगामों के अंदर से कोई साज निकल जाए, हंगामों कोई साज निकल जाए, अल्लाह मेरी हंगामों के अंदर से कोई साज निकल जाए, अल्लाह तेरी बीमारी ही नब्बाज निकल जाए। शुक्रिया। हंगामों के अंदर से कोई साज निकल जाए, अल्लाह मेरी बीमारी ही नब्बाज निकल जाए। और ये शेर देखें कि आंखों में रहे ऊंची उड़ानों के सलीके, शेर मुलाजा करें कि आंखों में रहे ऊंची उड़ानों के सलीके, चाहे तो परों से मेरे परवाज निकल जाए, आंखों में रहे ऊंची उड़ानों के सलीके, चाहे तो परों से मेरे परवाज निकल जाए। शुक्रिया। और ये शेर देखें कि बनवाए कोई ताजमहल जैसी निशानी, बनवाए कोई ताजमहल जैसी निशानी, और अपनी मोहब्बत लिए मुमताज निकल जाए, बनवाए कोई ताजमहल जैसी निशानी, और अपनी मोहब्बत लिए मुमताज निकल जाए। और ये शेर देखें बतौर खास, सिर्फ एहसास करने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या होगा हवाओं जो तेरे गहरे बदन से, क्या होगा हवाओं जो तेरे गहरे बदन से बलखाने का लहराने का अंदाज निकल जाए, क्या होगा हवाओं जो तेरे गहरे बदन से बलखाने का लहराने का अंदाज निकल जाए, हंगामों के अंदर से कोई साज निकल जाए, अल्लाह मेरी बीमारी ही नब्बाज निकल जाए। शुक्रिया। एक गजल से चंद अशार आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। मतलब मुलाहजा करें,
वो कहां आसमां, वो कहां आसमां, शेख चिल्ली कहां, वो कहां आसमां, शेख चिल्ली कहां, अब वो जिल्ले इलाही की दिल्ली कहां, वो कहां आसमां, शेख चिल्ली कहां, अब वो जिल्ले इलाही की दिल्ली कहां। ये शेर देखें कि दूसरे तीसरे से भी लेता रहा, दूसरे दूसरे तीसरे से भी लेता रहा, तुझ में ठहरेगी अपनी तजल्ली कहां। दूसरे तीसरे से भी लेता रहा, तुझ में ठहरेगी अपनी तजल्ली कहां। शुक्रिया कैसर जाहिदी साहब। एक शेर देखें, थोड़ा इसके लिए अगर मैं माजरत भी करूं, लेकिन अब तक ये पहुंचेगा शेर के, खूबसूरत मुसल्लों के बाजार में। शेर समाप्त करें कि खूबसूरत मुसल्लों के बाजार में, खूबसूरत मुसल्लों के बाजार में ढूंढिए मस्जिदों में मुसल्ली कहाँ। खूबसूरत मुसल्लों के बाजार में ढूंढिए मस्जिदों में मुसल्ली कहाँ। और ये शेर देखें कि मेरे चारों तरफ मेरी परछाइयाँ, मेरे चारों तरफ मेरी परछाइयाँ, रोशनी छोड़ मुझको निकल ली कहाँ। मेरे चारों तरफ मेरी परछाइयाँ, रोशनी छोड़ मुझको निकल ली कहाँ। और आखिरी शेर इसमें देखें, इस गजल का आखिरी शेर, मैं आमतौर से ताली से एतराज करता हूँ और वही कैफियत इस शेर में है भी। देखें कि लफ्ज़ो माना उसी की उड़ानों से हैं, लफ्ज़ो माना उसी की उड़ानों से हैं, मेरे अंदर रहेगी ताली कहाँ। लफ्ज़ो माना उसी की उड़ानों से हैं, मेरे अंदर रहेगी ताली कहाँ। अब वो कहाँ आसमां, शेख चिल्ली कहाँ, अब वो जिल्ले इलाही की दिल्ली कहाँ। शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे अब तक बहुत मोहब्बत से सुना। छोटे मिसरों में मैं फिर अब बात कर रहा हूं। देखें कि जहन दिल पर सवार हो जाए, गजल के चंद अशार। जहन दिल पर सवार हो जाए तो मोहब्बत की हार हो जाए, जहन दिल पर सवार हो जाए तो मोहब्बत की हार हो जाए। और ये शेर देखें कि तुम गरजते हो क्या बरस जाओ, तुम गरजते हो क्या बरस जाओ, बादलों का शुमार हो जाए। तुम गरजते हो क्या बरस जाओ, बादलों का शुमार हो जाए। और ये शेर देखें कि जो भी हो एतमाद रख कर ही कैफियत आर पार हो जाए, जो भी हो एतमाद रख कर ही कैफियत आर पार हो जाए। और ये शेर देखें, बहुत लतीफ इशारा है कि फैसला दिल का है तो दिल पर रख, फैसला दिल का है तो दिल पर रख, इसमें क्या जीत हार हो जाए। फैसला दिल का है तो दिल पर रख, इसमें क्या जीत हार हो जाए। और ये शेर भी समाप्त करें कि बह चले इसमें छू के दिल वाले जिस एक आबशार हो जाए, बह चले इसमें छू के दिल वाले
जिस एक आबशार हो जाए। और ये देखें कि साफ करते रहो दिलाई ना, साफ करते रहो दिलाई ना, गर्द जमकर गुबार हो जाए। साफ करते रहो दिलाई ना, साफ करते रहो दिलाई ना, गर्द जमकर गुबार हो जाए। और ये आखिरी शेर देखें, मुलाहिज़ा करें इस गज़ल का, कि दर्द ऐसा हो अपनी आंखों में, दर्द ऐसा हो, ऐसा हो, दर्द ऐसा हो अपनी आंखों में, हर नजर अश्कबार हो जाए। दर्द ऐसा हो अपनी आंखों में, हर नजर अश्कबार हो जाए, ज़हन दिल पर सवार हो जाए, तो मोहब्बत की हार हो जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे बहुत हौसला दिया। जिन हालात में मैं आपके हो रहा था वो हालात शायरी सुनाने के नहीं थे, आपने बहुत हौसला दिया। ये दो तीन शेर देखें, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब का, उन्होंने बहुत मेहनत से तगदौ से मुझे आज ये प्रोग्राम करने में मदद की। इम्तियाज साहब, कैसर जाहिदी साहब, आप लगातार बने हुए हैं और बहुत मोहब्बत नवाज रहे हैं। दो तीन शेर देखें कि दिल के रास्ते आया, रास्ते आया जाने किधर गया, दिल के रास्ते आया जाने किधर गया, दिल के रास्ते आया जाने किधर गया, दुख अपना चलते चलते ही गुजर गया। दिल के रास्ते आया जाने किधर गया, दुख अपना चलते चलते ही गुजर गया, और मेरी ही जानिब, ये शेर देखें बतौर खास के, मेरी ही जानिब इतनी रफ्तार से मैं, मेरी ही जानिब, मेरी ही जानिब इतनी रफ्तार से मैं, कब आया कि मुझ में नेजा उतर गया। मेरी ही जानिब इतनी रफ्तार से मैं, कब आया कि मुझ में नेजा उतर गया। और एक शेर देखें, और बहुत लतीफ शेर है ये, कि कहा नहीं आंखों ने लेकिन ऐसा है, आंखों के हवाले से ये शेर देखें, कि कहा नहीं आंखों ने, कहा नहीं आंखों ने लेकिन ऐसा है, आया था इस रास्ते पानी ठहर गया। कहा नहीं आंखों ने लेकिन ऐसा है, आया था इस रास्ते पानी ठहर गया, दिल के रास्ते आया जाने किधर गया, दुख अपना चलते चलते ही गुजर गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये चंद अशार एक गजल से मैं कर रहा हूं, मतलब समाप्त करें। मोहम्मद कमरजमा साहब फिर लौट आए हैं, जुड़ गए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। चंद शेर एक गजल से आपके सामने मैं रख रहा हूँ, मतला हाजिर है। कोई रास्ता, काफी नहीं करना लेकिन बात बात हूं कि आपके मैं समाप्त तक नहीं पहुंचाना चाहता, मैं दिल तक पहुंचाना चाहता हूं बातें। देखें अब तक कैसे पहुंच पाता है ये शेर देखें, कि कोई रास्ता कहीं जाता नहीं है, कोई रास्ता कहीं जाता नहीं है, मुसाफिर लौट कर आता नहीं है। कोई रास्ता कहीं जाता नहीं है, मुसाफिर लौट कर आता नहीं है। ये शेर देखें कि तबीयत होती है, तबीयत होती है कि उड़ के पहुंचू, ये बतौर खास शेर देखें कि तबीयत होती है, तबीयत होती है कि उड़ के पहुंचू,
तबीयत से उड़ा जाता नहीं है। तबीयत होती है, तबीयत होती है कि उड़ के पहुंचूं, तबीयत से उड़ा जाता नहीं है। और मोहब्बत होगी सीधे दिल में दाखिल। ये शेर देखें, मोहब्बत की कैफियत इसमें बयान हो रही है कि मोहब्बत होगी सीधे दिल में दाखिल, किसी को कोई समझाता नहीं है। मोहब्बत होगी सीधे दिल में दाखिल, आता नहीं है। कहां तक रोके बादल अपना पानी, कहां तक रोके बादल बादल, कहां तक रोके बादल अपना पानी, बरस जाता है बरसाता नहीं है। कहां तक रोके बादल अपना पानी, बरस जाता है बरसाता नहीं है। और ये शेर बतौर खास मुलाहजा कर लें कि जी मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि चंद बेहतर अहबाब, चंद अच्छे शोरा हम मुझे सुन रहे हैं, और मैं इसीलिए मैं आपसे बात भी करना चाह रहा हूँ। सारा अहमद साहब, इम्तियाज़ साहब, खुमरसमा कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें ये शेर, देखें बतौर खास ये शेर मुलाहजा करें कि मेरा एहसास होगा तो मुझी में, मेरा एहसास होगा तो मुझी में, जो मेरा है कहीं जाता नहीं है। मेरा एहसास होगा तो मुझी में, मेरा एहसास होगा तो मुझी में, जो मेरा है कहीं जाता नहीं है। भरोसा करना है फूलों पे, शेर देखें कि भरोसा भरोसा करना है फूलों पे, लेकिन भरोसा करना है फूलों पे, लेकिन महकने वाला महकाता नहीं है। भरोसा करना है फूलों पे, लेकिन महकने वाला महकाता नहीं है। और इस गजल का आखिरी शेर देखें कि कमाना है कमाओ लेके जाओ। देखें एक लफ्ज से मैंने कुछ बात कोशिश की है करने की कि कमाना है कमाओ लेके जाओ, कमाना है कमाओ लेके जाओ, ये दुनिया दान का खाता नहीं है। कमाना है कमाओ लेके जाओ, ये दुनिया दान का खाता नहीं है। कोई रास्ता कहीं जाता नहीं है, मुसाफिर लौट कर आता नहीं है। शुक्रिया, आप बहुत मजबूती से हमारे साथ हैं और मैं बहुत खुशअसलूबी से आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। चंद अशार मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुलाहजा कर लें। देखें कि कोई रास्ता बदलना चाहता है, दो तीन अशार दूसरी गजल से आपके सामने कि कोई रास्ता बदलना चाहता है, नहीं मुझसे निकलना चाहता है। कोई रास्ता बदलना चाहता है, नहीं मुझसे निकलना चाहता है। ये दिल का मामला कैसा है भाई, ये दिल का मामला कैसा है भाई, संभलना था पिघलना चाहता है। ये दिल का मामला कैसा है भाई, संभलना था पिघलना चाहता है। और आखिरी एक शेर देख लें इस गजल से कि मैं समुंदर के हवाले से, मैं चूंकि जोग्राफिया का तालिब इल्म रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि समुंदर का पानी कभी रुकता नहीं है। मैं उस हवाले से एक शेर आपके सामने रख रहा हूँ, देखें इसमें चंद लफ्ज़ों से बात करने की कोशिश की गई है कि समुंदर की ये बेचैनी तो देखो, समुंदर की ये बेचैनी तो देखो,
पतीली से उबलना चाहता है। समुंदर की ये बेचैनी तो देखो, पतीली से उबलना चाहता है, कोई रास्ता बदलना चाहता है, नहीं मुझसे निकलना चाहता है। दो शेर और देखें, फिर मैं किसी गजल की तरफ आपको ले चलता हूं। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, इमरानुल्लाह खान साहब मेरे, अल्लाह करे उनकी दुआएं मेरे लिए लग जाएं, मेरे काम आए, और शुक्रिया उनकी दुआओं का, घर से दुआओं का शुक्रिया नहीं होता है, माजरत खां हूँ। मैं दो तीन शेर देखें आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा तो है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा तो है, जीतने वाला दिल अपना हारा तो है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा तो है, जीतने वाला दिल अपना हारा तो है। और इस शेर की मैं के तेवर की मैं दाद चाहता हूं कि देखें कि ना उम्मीदी कलेजे पे चढ़ जाओगी, ना उम्मीदी कलेजे पे चढ़ जाओगी, इससे पहले भी हमने उतारा तो है, नाउम्मीदी कलेजे पे चढ़ जाओगी, इससे पहले भी हमने उतारा तो है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा तो है, जीतने वाला दिल अपना हारा तो है। शुक्रिया। दो तीन शेर और देखें, फिर गजल के साथ में होगा कि मतलब देखें कि तबस्सुम के होंठों को वीरान मत कर। बहुत शुक्रिया कमरजमा साहब, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मिल रही हैं, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं इसलिए आपकी दुआएं मेरे काम आए। कैसर जाहिदी साहब, बहुत देर से आप साथ हैं हमारे। देखें मतलब समाप्त करें कि तबस्सुम के होंठों को वीरान मत कर, तबस्सुम के होंठों को वीरान मत कर, जो अंदर है उसको परेशान मत कर, तबस्सुम के होंठों को वीरान मत कर, जो अंदर है उसको परेशान मत कर। और ये शेर देखें, इसके तेवर की मैं दाद चाहूंगा कि बहुत हो गया दर्द का खेल खेले, बहुत हो गया दर्द का खेल खेले, मोहब्बत मेरी जान मत कर, बहुत हो गया दर्द का खेल खेले, मोहब्बत मेरी जान मत कर। और आखिरी शेर देखें कि बहुत दुख उठाना पड़ेगा समझ ले, जफर खुद को इतना भी इंसान मत कर, जफर खुद को इतना भी इंसान मत कर, तबस्सुम के होठों को वीरान मत कर, जो अंदर है उसको परेशान मत कर। और शुक्रिया, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं एक गजल आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे इशारा कर दें कि मुझे कब खत्म करना है। एक गजल आपके सामने मैं रख रहा हूं, देखें कि एक नहीं दो नहीं 72 है, मतलब देखें कि एक नहीं दो नहीं 72 है, जिसकी आंखें उसी का मंजर है,
एक नहीं, दो नहीं, 72 है। जिसकी आंखें उसी का मंजर है। ये सिर देखें कि जिंदगी जिंदगी तुझमें रुकना चलना क्या, जिंदगी जिंदगी तुझमें रुकना चलना क्या, धार दोनों तरफ बराबर है। जिंदगी तुझमें रुकना चलना क्या, रुकना चलना क्या, धार दोनों तरफ बराबर है। और ये शेर देखें कि जीत खुद को संभाल पाई नहीं, जीत खुद को संभाल पाई नहीं, हार भी क्या उसी के अंदर है। जीत खुद को संभाल पाई नहीं, हार भी क्या उसी के अंदर है। और कितनी उम्मीदें हो, ये शेर देखें कि कितनी उम्मीदें होंगी, कितनी उम्मीदें होंगी आंखों में जिसकी अपनी जमीन बंजर है। कितनी उम्मीदें होंगी आंखों में जिसकी अपनी जमीन बंजर है। और ये मुलाहजा करें कि ना समझ आगे आगे निकला दिल, ना समझ आगे आगे निकला दिल, ना समझ है तभी सिकंदर है। ना समझ आगे आगे निकला दिल, ना समझ है तभी सिकंदर है। और आखिरी शेर देखें, दो आखिरी अशार आपसे मैं इसकी दाद चाहूंगा कि सारी उम्मीदें क्यों नहीं डूबी, सारी उम्मीदें, सारी उम्मीदें क्यों नहीं डूबी, सबकी आंखों में एक समुंदर है। सारी उम्मीदें क्यों नहीं डूबी, सबकी आंखों में एक समुंदर है। और आखिरी शेर देखें कि उसको बेदर्दी से नहीं रौंदो, इसको इसको बेदर्दी से नहीं रौंदो, ये जमी भी किसी का अंबर है। इसको बेदर्दी से नहीं रौंदो, इसको बेदर्दी से नहीं रौंदो, ये जमी भी किसी का अंबर है। एक नहीं, दो नहीं, 72 है, जिसकी आंखें उसी का मंजर है। शुक्रिया। अगर इजाजत आपकी हो तो एक आखिरी गजल आप के सामने मैं रखकर अब आप बता देंगे, मैं ये गजल आपके सामने रख रहा हूं कि क्या रखोगे उधर, इधर रख दो। मतला देखें, मतला इस गजल का कि छोटे छोटे मिसरे आपके सामने मैं रख रहा हूं कि क्या रखोगे उधर, इधर रख दो, मेरी गर्दन पे मेरा सर रख दो। क्या रखोगे उधर, इधर रख दो, मेरी गर्दन पे मेरा सर रख दो, दर्द किस्मत में हो अगर रख दो। इशर देखें कि दर्द किस्मत में हो, दर्द किस्मत में हो अगर रख दो, मेरे कब्जे में चश्मे तर रख दो। दर्द किस्मत में हो अगर रख दो, मेरे कब्जे में चश्मे तर रख दो। हमने समझाया था, ये बहुत खास शेर है, देखें छोटे छोटे अशार, छोटे छोटे मिसरे, बात कुछ बन पा रही हो अगर। हमने समझाया था कि भूलोगे, हमने समझाया था, हमने समझाया था कि भूलोगे, रास्ते में ही अपना घर रख दो। हमने समझाया था, हमने समझाया था कि भूलोगे, रास्ते में ही अपना घर रख दो। ये शेर देखें कि सोचते सोचते चलो, छोटे छोटे एक दो लफ्जों से मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की है कि सोचते सोचते चलो, लेकिन सोचते सोचते चलो, लेकिन चल पड़ो तो अगर मगर रख दो। सोचते सोचते चलो, सोचते सोचते चलो, लेकिन चल पड़ो तो अगर मगर रख दो। दर्द खो जाए
तो भी दुख होगा, दर्द खो जाए तो भी दुख होगा, ये कलेजे से बांध कर रख दो, हर दफा आजमा के देखें क्या, हर दफा आजमा के देखें क्या। शेर लजा करें कि हर दफा आजमा के देखें क्या, अब ये चेहरा रख दो, हर दफा आजमा के देखें क्या, अब ये चेहरा चलो उधर रख दो। और आखिरी शेर इस गजल का आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि एक नजर देख लूं तो चलता हूं, एक नजर देख लूं तो चलता हूं, रह गुजर मेरे नाम पर रख दो, एक नजर देख लूं तो चलता हूं, रह गुजर मेरे नाम पर रख दो, क्या रखोगे उधर इधर रख दो, मेरी गर्दन पे मेरा सर रख दो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दानिश साहब अगर मौजूद हों तो मुझे हुक्म दें क्या करना है। इम्तियाज अहमद दानिश साहब अगर मौजूद हों, हजरात बहुत देर से मुझे समाप्त कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाती तौर से अदा कर रहा हूँ और कई लोगों ने मेरे अशार पे बहुत रिस्पांस लिया, बहुत तवज्जो से सुना, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। निसार अहमद निसार साहब, कैसर जाहिदी साहब, आप सबने बहुत मुझे तवज्जो से सुना। मैं इम्तियाज साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं चंद अशआर और आपके सामने रख रहा हूँ इस बीच में, और इम्तियाज अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मुझे इशारा करें। दो तीन अशआर देखें, देखें कि किसी गुनाह का चेहरा दिखा रहा होगा, किसी गुनाह का चेहरा दिखा रहा होगा, दिल आईना है तो फिर आईने में क्या होगा, किसी गुनाह का चेहरा दिखा रहा होगा, दिल आईना है तो फिर आईने में क्या होगा, उजाला देने लगा आखिरी पहर दस्तक, अंधेरों तुमसे कहाँ तक मुकाबला होगा, और ये शेर देखें कि कहाँ कुरेद रहे हो बदन की राख जफर, कहाँ कुरेद रहे हो बदन की राख जफर ज़मीर जिंदा नहीं होगा मर गया होगा। शुक्रिया। और मैं निसार साहब की मोहब्बत में एक गज़ल के चार पांच अशार आपके सामने आखिरी पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। कि देखें कि हमेशा हंसते रहने वाले रोने की ज़रूरत क्या, फिर देखें कि हमेशा हंसते रहने वाले रोने की ज़रूरत क्या, मियाँ करते रहें जीवन में एक तरफा मोहब्बत क्या, और ये शेर देखें बतौर खास के जिधर आंखें निकलती हैं जिधर आंखें निकलती हैं उधर ठहरा हुआ मंजर,
मेरे महबूब को मंजूर है मेरी शहादत क्या? जिधर आंखें निकलती हैं, जिधर आंखें निकलती हैं, उधर ठहरा हुआ मंजर। मेरे महबूब को मंजूर है मेरी शहादत क्या? शेर देखें कि खुशी हो गम हो सब, खुशी हो गम हो सब, दुनिया तेरे कदमों पे रखता हूँ। खुशी हो गम हो सब, दुनिया तेरे कदमों पे रखता हूँ। बचाकर पास अपने रख लिया जाए वो दौलत क्या? खुशी हो गम हो दुनिया सब तेरे कदमों पे रखता हूँ। बचाकर रख लिया जाए, बचाकर पास अपने रख लिया जाए वो दौलत क्या? ये शेर देखें, दो तीन अशआर बिल्कुल एक अलग फ्लेवर